मेरे पास तुम हो कि आने वाली आगे किस्त में हम देखेंगे कि महविश रूमी को अपने साथ हॉस्टल लेकर जाएंगी और फिर वहाँ उससे खूब प्यार करेंगी, मोहब्बत करेंगी, उससे पिछली बातें करेंगी और कहेंगी तुम अपने पापा को कहो ना कि मुझको माफ कर दें। जब दूसरे दिन रूमी अपने घर वापस आएगा और दानिश उसे खूब प्यार करेगा और उससे बात करेगा तो रूमी उससे कहेगा, पापा आप मम्मा को माफ क्यों नहीं कर देते, मम्मा आपको बार बार सॉरी कर रही है। वो उसको कहेगा, रूमी अभी आप छोटे हो, आपको नहीं पता मैं आपकी मम्मा को माफ कर चुका हूँ लेकिन मैं उनको घर नहीं ला सकता। रूमी नाराज होकर अपने कमरे के अंदर चला जाएगा। फिर महविश दानिश को फोन करेंगी और दानिश से कहेंगी, रूमी ने तुमसे कोई बात करी? दानिश कहेगा, हाँ रूमी ने मुझसे बात करी लेकिन वो अभी छोटा बच्चा है, वो सॉरी और तलाक को नहीं समझता, तुम उसको इस्तेमाल मत करो, मैं तुमको माफ कर चुका हूँ लेकिन मैं तुम्हें अपने घर नहीं ला सकता, मैं अल्लाह का गुनाहगार नहीं बन सकता। इस बात पर फिर वो फोन बंद कर देगा। महविश फिर दिखाया जाएगा कि महविश हॉस्टल के अंदर बहुत ज्यादा अपने ऊपर गुस्सा कर रही है, उठा उठा के फेंक रही है, अपने कपड़ों को गोल गोल करके फेंक रही है और गुस्सा कर रही है, अपनी गलतियों के ऊपर खुद ही शर्मिंदा हो रही है। मिस हानिया के दिल में दानिश के लिए मोहब्बत की शमा रोशन हो रही है। वो अपनी बहन वतीरा से कहेंगी, दानिश मुझे शादी के लिए कहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि कोई शख्स दोबारा मोहब्बत कैसे कर सकता है जबकि पहली मोहब्बत में बेवफाई मिली हो, मुझे तो उन पर बहुत तरस आता है, कितनी बेकदरी औरत थी महविश जो दानिश की मोहब्बत को समझ न सकी। वतीरा हानिया को कहेगी, वो तुमसे शादी के लिए कहे तो तुम फौरन हाँ कर देना क्योंकि दानिश साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, वो तुमसे भी उतनी ही मोहब्बत करेंगे। आगे हम देखेंगे दानिश सलमान और आयशा के पास जाएगा और उनको बोलेगा कि मेरा बेटा मासूम है, मैं उसको किस तरह समझाऊं क्योंकि महविश रूमी को इस्तेमाल कर रही है, मेरा बच्चा समझ रहा है कि माफी मांगने से तलाक खत्म हो जाएगी, तलाक माफी से खत्म नहीं होती। आगे हम देखेंगे कि महविश सलमान और आयशा के पास बैठी हुई है और उनसे कह रही है कि मैं अपनी गलतियों के ऊपर बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने वाकई बहुत गलतियाँ करी, तुम लोग मेरी तरफ से दानिश को समझाओ, वो मुझे माफ कर दे। वो लोग कहेंगे, हम कोशिश करेंगे। आगे हम देखेंगे सलमान दानिश को कहता है कि गलती तो सबसे होती है, तुम एक बार महविश को माफ कर दो, ये समझ लो कि वो गलत ट्रेन में सवार हो गई थी, फिर उसको अपने घर का रास्ता याद आ गया। दानिश उसको कहेगा, तू कैसी बातें कर रहा है यार, मैं उसको कैसे माफ कर दूं, इस गुनाह में शरीक हो जाऊं, रूमी वैसे तो एक छोटा मासूम सा बच्चा है लेकिन वो सब अपनी माँ की चालाकियों को समझ रहा। वो मिस हानिया के पास जाएगा और बहुत प्यार से कहेगा, मिस आप क्या मेरे पापा से शादी करेंगी, आने वाली किस्त में हमें पता चलेगा कि देखें दानिश इन दोनों के बीच में फंस के रह गया है, दानिश किस तरफ जाता है, मिस हानिया की तरफ या महविश की चालाकियों में आता है।